Hi, this is Himanshi Parashar and I'm here with Just Showbiz. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हिमांशी पाराशर से, जो देने वाली हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। तो देखिए पूरा वीडियो। आज हम सेगमेंट करेंगे 10 क्वेश्चन। ओके, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस? I am very emotional person. Okay. What do you love using? What do I love using? I love using Instagram right now. What the first thing you notice when it comes to someone from the opposite gender? His way of talking to somebody who is not of his or her standard. वो किस तरीके से अपने से नीचे वालों से बात करते हैं, दैट आई नोटिस। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई लुक एट माई पेरेंट्स फोटोग्राफ विच इज़ एट द बैक ऑफ माई फ़ोन। सो या, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई डू, बिकॉज मैं मानती हूँ कि सुबह उठ के उनकी शक्ल दिखनी चाहिए। लव इज़ अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली फॉर मी लव इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड बिना समझाए अगर आपकी कोई वो बात समझ जाए तो बस उससे अच्छा क्या हो सकता है। माई हिडन टैलेंट दैट आई मेक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। मैं ऐसी फालतू चीज़ों को उठा उठा के कुछ ना कुछ यूटिलिटी बना ही लेती हूँ उसकी। ओके, आई लव दैट आई एम वेरी सेंसिटिव person. I do care about everybody and hate is that मैं again sensitive, मैं काफ़ी बातों को दिल पे ले जाती हूँ। One food item you can eat every day. Fool gobi. Okay. One advice your dad has given you which always keep in mind. That never take stress. Enjoy करो जो भी कर रहे हो। अगर बुरा चीज़ आ भी रहा है वो निकल जाएगा। जस्ट enjoy, टेंशन नहीं लेनी कभी। Yes. एक्चुअली यू नो, बहुत बचपन से ही आई वॉन्टेड, बिकॉज मेरे जो दादाजी थे वो बहुत पढ़े लिखे थे एंड मैंने बहुत फैमिलीज़ में देखा है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक ऐसी कहते हैं ना ऑर्फनेज बोल देते हैं, ओल्ड एज होम्स बोल देते हैं, मैं कुछ ऐसी कोई जगह बनाऊं जहां पे मैं कि अडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊं कभी। तो कैपेबल हुई तो मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगी। वन सीक्रेट टू शेयर विद माई फैंस। बट आई एम नॉट अ पंजाबी। सबको लगता है मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ, बट आई लव पंजाब। मे बी फ्यूचर पंजाबी। बट आई एम ओवरवेलम्ड एक्चुअली। मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि लोग इतना अच्छा मुझे हमारे शो के बारे में बोल रहे हैं, कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस आते हैं दैट यू आप थैंक यू फॉर प्लेइंग साहिबा। आई एम लाइक, एक कैरेक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये। तो आई रियली फील सो ब्लेस्ड दैट मैं आज यहाँ पहुँची और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। प्लीज़ कीप लविंग इट। थैंक यू। सो ये था हमारा आज का सेगमेंट। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करिए।